like a Hellcat. What's up and welcome back to my channel. Today I'm going to show you how to make bed, furnace and chest. So, bina samay gawaye, let's get started. So, सबसे पहले हम बनाएंगे बेड और बेड के लिए आपको तीन शीट्स को मारना पड़ेगा जिनसे आपको वूल मिलेगा और लेट्स पहले इन्हें मार देते हैं। देखो देखो हाँ अब तो कहाँ जाएगी अच्छा दो हो गए ये तीन हो गए ठीक है अब फिर आपको अपने ट्री से कुछ लकड़ियाँ तोड़नी होगी और उनके बाद उनके प्लैंक्स बनाने होंगे फिर क्राफ्टिंग टेबल में जाकर ये ओपन करी हमने क्राफ्टिंग टेबल अपनी इसमें आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना है जहाँ पर बेड बना हुआ है यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या कहते हैं बेड का ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा आप इसको क्लिक करोगे तो आपके वूल और ओक प्लैंक्स इसके अंदर प्लेस हो जाएंगे फिर उसके बाद आप यहाँ पे बेड पे क्लिक करोगे तो आपको बेड मिल जाएगा अब आप यहाँ पे बेड को लगा सकते हो उसके ऊपर सो सकते हो अगर आपने एक बार इस पर क्लिक कर दिया तो आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा जब भी आप मरोगे तो आप अपने बेड पे ही स्पॉन होंगे सो ये बहुत ज़रूरी होता है बेड इसलिए तो हमें हमेशा बेड एक हमेशा अपने साथ रखना ही चाहिए फिर अब हम हवा आते हैं हमारे फर्नेस के ऊपर फर्नेस के लिए आपको चाहिए कॉबल स्टोन्स 8 कॉबल स्टोन्स लगेंगे क्राफ्टिंग टेबल में जाना है थर्ड ऑप्शन में जहाँ पे बेड बना हुआ है वहाँ पे फर्नेस के आइकन पे क्लिक करना है और आपके कॉबल स्टोन पुट हो जाएंगे फिर आपको फर्नेस अपना क्लेम कर लेना है ये बन गया हमारा फर्नेस अब फर्नेस हमारे आइटम्स को मेल्ट करने के काम आता है आप अपने इसमें कोल और ऊपर जो भी आपको स्मेल्ट करना है उसको रख सकते हैं और फिर आपको लास्ट में आपकी जो चीज़ आपको स्मेल्ट करनी थी वो आपको लास्ट में मिल जाएगी अब बारी आती है चेस्ट की उस चेस्ट के लिए आपको चाहिए प्लैंक्स आप कोई से भी प्लैंक्स ले सकते हो ओक प्लैंक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं तो मैंने भी ओक प्लैंक्स ले रखे हैं क्राफ्टिंग टेबल में जाना है थर्ड ऑप्शन में चेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा क्लिक करना है चेस्ट को क्लेम करना है एक दो जितनी बनानी है बना लो मैं दो बनाऊंगी अब ये चेस्ट का क्या करना है अगर एक लगाओगे तो ठीक है एक लगा दिया आपने अब इसके बगल में आप दूसरी लगाओगे ये बहुत छोटी है अभी इसके बगल में दूसरी लगाओगे तो ये लार्ज चेस्ट बन जाएगी अब इसमें बहुत सारी आप चीज़ें आराम से रख सकते हो फिर अब आपकी तीनों चीज़ें बन गई हैं अब नाउ योर फर्नीचर आर रेडी टू बी प्लेस्ड इन योर हाउस इफ़ यू फाउंड